नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। इसी के साथ ही साथ एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी नजर आ रही है, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इसके बारे में भी हम अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। और एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 26 अंक नीचे कारोबार कर रहा है और बाकी सभी इंडाइसेस भी लाल निशान में ही हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो करीब 70 अंक नीचे हैं। कोरिया के बाजार में 25 अंकों का दबाव है। जापान, वहां पर 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है और शंघाई के बाजार भी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती जो संकेत हैं वो कमजोरी के मिल रहे हैं एशियन मार्केट से। और ऐसा ही कुछ हमने बाकी मार्केट्स में भी देखा, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं वहाँ से भी वो कुछ कमज़ोर साइड पे ही है। यूएस बाज़ार में कल हमने मिला जुला कारोबार देखा, हालांकि डाउ में जो तेज़ी का दौर है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी हमने हल्की यहाँ पर नरमी देखी डाउ जोन्स में। और S&P 500 और नैसडैक तो लाल निशान में ही बंद हुए। वहाँ पर काफ़ी सारे की इंडिकेटर्स भी आए थे। पहले तो फिच की अगर बात करें तो फिच ने यूएस की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग है वो घटा दी है, AAA से घटाकर AA+ की दी है। तो इस वजह से भी हमने उसका असर देखा अमेरिकी बाजारों में। और उसके बाद काफ़ी सारे आंकड़े भी आए। जुलाई महीने के PMI आंकड़े 46.4% पर थे, 46.8 का अनुमान था। हल्की नरमी आई है लेकिन ये आंकड़े ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे थे। और जून में भी जॉब ओपनिंग जो डेटा है वो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जो जॉब ओपनिंग था वहाँ पर 34,000 की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये जो तमाम इंडिकेटर्स आ रहे हैं इसको एनालिस्ट इतना कुछ ख़राब नहीं मान रहे हैं और आगे और भी काफ़ी सारे डेटा आएंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। तो ये जो आंकड़े निकल कर आए ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं थे। जॉब मार्केट अभी भी मजबूत ही नज़र आ रहा है, जिसके चलते हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़ गए, 4% के पास बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए। डॉलर में हमने तेज़ी देखी, डॉलर इंडेक्स 102 के पास पहुंच गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल दबाव देखने को मिला। हालांकि दूसरी तरफ अर्निंग सीजन मजबूत ही है और कल हमने देखा कि एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के नतीजे काफ़ी अनुमान से बेहतर थे, 2% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली। सोलार एच टेक के नतीजे कमज़ोर थे, 12% की गिरावट वहाँ पर थी। और भी काफ़ी सारे नंबर्स अभी निकल कर आ रहे हैं लेकिन ओवरऑल अर्निंग सीजन अच्छा जा रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। लेकिन कल जो डेटा निकल कर आए और आने वाले भी कुछ काफ़ी अहम इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नज़र रहेगी। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी वॉलेटिलिटी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार में भी लाल निशान में ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए और बॉन्ड यील्ड्स जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब 4% पे पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 पर है और इसका असर हमने गोल्ड में देखा, जहाँ पर कि हल्की नरमी देखने को मिली और $2,000 के स्तर दिखे थे उसके बाद वहाँ से हल्की नरमी देखने को मिली। और डॉलर में जो तेज़ी आई उसकी वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल में भी जो एक तेज़ी का दौर था वो भी कहीं ना कहीं थमते हुए नज़र आया और मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो इस वक्त नज़र है US में आ रहे इंडिकेटर्स की, फेड की भी नज़र उसी पर है और उसी पर भारतीय बाजार भी आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। एशियाई बाजारों की शुरुआत तो हम देख रहे हैं कमजोरी है, आगे हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करें। लेकिन एक बार आपको FIs और DIs के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए FNO सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। कैश मार्केट की बात करें तो वहां पर FIs ने करीब 90 करोड़ की बिकवाली की है, बहुत ही छोटा आंकड़ा है ये नेट, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। DIs की लगातार दूसरे दिन हम खरीदारी देख रहे हैं 1,035 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी मामूली बहुत ही छोटा आंकड़ा है, 44 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आ रही है FIs की तरफ से। ऑप्शंस में देखेंगे तो 5,122 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। कल हमने भारतीय बाजारों में भी देखा कि थोड़ा कमजोरी का सेशन था और आखिरी कुछ घंटों में कमजोरी बढ़ते हुए दिखाई दी। बट आज के लिए FNO सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है एक बार ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम रणनीति भी समझेंगे भारतीय बाजारों को लेकर। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा, अगर आपको कल भी ध्यान होगा तो कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। सपोर्ट अच्छे से उसने बचा के रखा है जो कि 19,500 का निफ्टी पर और 45,500 से 300 वाली रेंज बैंक निफ्टी की है, लेकिन रेजिस्टेंस भी मार्केट के अंदर आप मान के चलिए उतने ही पक्के हैं। और ये रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है वो 19,800-850 की रेंज है, और अगर आप बैंक निफ्टी की बात पूछेंगे तो 45,800 से 46,000 का रेंज है। आज का सेटअप भी मार्केट का कुछ कुछ ऐसा है। एक्चुअली जब आप एफआईएस के नंबर पढ़ रहे थे तो आपने खुद से नोटिस किया होगा कि नंबर के अंदर कुछ ज्यादा एग्रेशन नहीं था, कल मार्केट्स के अंदर भी कुछ ज्यादा एग्रेशन नहीं था। एडवांस डिक्लाइन चेक करेंगे ओवरऑल मार्केट का तो उसके अंदर भी ज्यादा एग्रेशन नहीं था, ऑप्शंस के अंदर भी ज्यादा एग्रेशन नहीं था। तो कुल मिलाकर ज्यादातर सेटअप कल थोड़ा ठंडा रहा और ये कह सकते हैं कि शायद 1 से 2 दिन अभी और लगेगा। इसकी बड़ी वजह जो फंडामेंटली सोची जा रही है वो ये है कि इस समय मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है, एक नए ट्रिगर की जरूरत है। पुराने ट्रिगर्स पे ऑलरेडी काफी रिएक्ट कर चुका है, इसलिए नए ट्रिगर्स का वेट हो रहा है जो इसको रेंज आउट या तो रेंज डाउन करेगा। तो फिलहाल तो भी रेंज के अंदर ही कारोबार होने के चांसेस हैं। अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 19,500-600 का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिएगा। और रेजिस्टेंस 850 का, अगर आपको लगता है कि मेरा 850 तक प्रॉफिट बन गया है तो बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। और उसके बाद अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो उनके लिए भी मार्केट के अंदर मौकों की कमी नहीं है, उनको भी एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है जो कि 19,850 का है। और अगर वो 500-600 वाली रेंज को ब्रेक करता है तो आप निश्चित तौर पर 300-400 पॉइंट और कमाएंगे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है। ऑप्शंस वाले भी अगर आना चाहें तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं, हालांकि कल की काफी टाइट रेंज थी। आई एक्सपेक्टेड कि आज भी काफी टाइट रेंज में ही काम होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं मौके मिलते हैं तो लो वॉल्यूम के साथ आप काम कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होने की इस समय जरूरत है, आप 1-2 शेयर्स का चुनाव कीजिए जहां पर आपको बिल्डअप अच्छा मिल रहा है और उसी के साथ दिन भर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडाइसेस से बहुत बड़े गेन आपको मिल जाएंगे कम से कम इस पूरे हफ्ते में, चांसेस कम लगते हैं अंटिल एंड जब तक कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में नहीं आता। तो फिलहाल ट्रेड स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिम्पी बता रहे हैं कि मार्केट में अभी क्योंकि दबाव नज़र आ रहा है लेकिन मौके हैं, पर संभल के अभी यहाँ पर मार्केट पे अपना नज़रिया बनाने की ज़रूरत है। और जैसा कि उन्होंने बताया सपोर्ट 19,600 से 19,500 के पास, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,850 से 20,000 के करीब। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने मेहमान की ओर रुख करते हैं, बाजार पर रणनीति क्या है ये जान लेते हैं, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारे साथ बताने के लिए हैं हेमंत कपाड़िया। बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, और जानना चाहेंगे कि आज क्या रणनीति आप सुझा रहे हैं मार्केट के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक जैसे डिम्पी ने बताया मार्केट रेंज बाउंड है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, डिसिसिव नहीं है, तो ना ही कॉल पुट बेच सकते हैं क्योंकि आइदर साइड ब्रेकआउट में बड़ी मूवमेंट आ सकती है, ना ही कॉल पुट ले सकते हैं क्योंकि प्रीमियम घिस जाएगा क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। मेरे लेवल है 19,524, अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू लेना है तो 19,868 इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन खास कुछ बड़ी मूवमेंट एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में कहीं पे भी दिख नहीं रही है। आई थिंक जैसे टिम्पी ने बराबर बोला है मार्केट थक चुका है, ओवरबॉट है, कंसोलिडेशन फेज में है, ब्रेक अप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल, पिक्स क्या आप लेना चाहेंगे, किस शेयर में आज ट्रेड कर सकते हैं? पहला पिक रहेगा यूपीएल स्टॉक, के कारण नतीजे आए और काफी टाइम से स्टॉक वीक है, बहुत ही ओवरसोल्ड है, लेकिन 610-620 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे लास्ट बंद आया था वीकेंड 30 अप्रैल 2021, मतलब 2.25 साल से ये लेवल के नीचे वीकली चार्ट पे बंद नहीं आया है। इंट्राडे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ओवरसोल्ड है और डाउनसाइड लिमिटेड है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहा है, कल काफी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, तो एक कॉन्ट्रा बाय कॉल है इंट्राडे के लिए। यूपीएल 625 के आसपास की एंट्री, 620 का स्टॉप लॉस और 635 का टारगेट। जो सेकंड पिक रहेगा वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज।
साइट ऑफ हायर बॉटम है, जो मैकेनिकल इंडिकेटर्स है डेली चार्ट पे, एमएससीडी, स्टोकेस्टिक, आरएसआई वगैरह, वो क्रॉस ओवर बाय में आ चुके हैं। कल वॉल्यूम भी बड़ा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो IEX में बाय कॉल रहेगा। स्लो मूविंग स्टॉक है, छोटा मूवमेंट आता है, तो 127 के आसपास की एंट्री, 124.5 का स्टॉप लॉस और 132 का टारगेट IEX पे भी बाय कॉल रहेगा। तो UPL और IEX दो स्टॉक्स पर फिलहाल ट्रेड करने की रणनीति बता रहे हैं मन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, तो कौन कौन से नतीजे आए, उनका क्या असर, जानने के लिए रुकेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, कौन कौन से नतीजे आए, कैसा असर और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अंकिता। तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स अर्निंग्स पे फोकस करेंगे, सो थर्मैक्स पे जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, तो इनकी कमेंट्री क्या होती है, गाइडेंस, ये जो है ऑर्डर पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक के लिए। बीकाजी की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, यहाँ पे रेड नेट प्रॉफिट जो है लगभग 150% का ग्रोथ दिखाया है, तो एक अच्छे नतीजे आए हैं। और अगर अच्छे नतीजे की बात कर रहे हैं तो अनंत राज यहाँ पे जो है मिड कैप स्पेस की कंपनी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का है, रियल एस्टेट का है, यहाँ पे बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं, प्रॉफिट दोगुना हो गया है। उग्रो कैपिटल की बात करें तो एसेट क्वालिटी में जो है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला और ओवरऑल नंबर्स भी अच्छे आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है, तो अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। दालमिया भारत की बात करें तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और जो एबिडा मार्जिन है, हालांकि इसमें जम जरूर आया है लेकिन अनुमान से कम आया है। सिरमा SGS की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे सीक्वेंशियली जो नंबर्स आए हैं वो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑफकोर्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन है, उस पर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। बिल्कुल, तो ये तो नतीजों की बात हुई, लेकिन आज कौन कौन से शेयर हैं जो खबरों में बने रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले सांगी इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंबुजा सीमेंट्स जो है उस पर मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकते हैं। अब याद रखिए इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 6,000 करोड़ का, और डील की अनाउंसमेंट है वो आज आ सकती है, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री होती है उस पर हम फोकस करते हैं, तो नौसिल ने एक पॉजिटिव कमेंट्री दी है, उन्होंने कहा कि जो दूसरे तिमाही के वॉल्यूम्स होने वाले हैं वो फर्स्ट क्वार्टर से बेटर होने वाले और प्राइस में एक नॉर्मलाइजेशन देखने मिल सकता है आपको सेकेंड हाफ में, अगर चीन का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ जाए, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखेगा। PVR की कमेंट्री भी आ रही है और यहाँ पे एड रेवेन्यूज़ जो है थर्ड क्वार्टर से जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने लगता है और जो रिकवरी हो रही है सेकेंड क्वार्टर में वो देखने मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज हॉलीवुड मूवीज़ की जो अच्छी रिसेप्शन देखने मिल रही है। शीला फोम जो है आज QIP रेस करने की बात करेगी और हाल ही में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो करलोन को अक्वायर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स उसमें इक्विटी और डेट दोनों रहेगा, तो शायद ये QIP जो प्रोसीड्स है उसको उस एक्विजिशन में यूज़ करने मिल सकता है। मैनकाइंड का आज लॉक इन खुलने वाला है 2% इक्विटी का प्रमोटर्स का। कैंपस एक्टिवर में आज ब्लॉक डील हो सकती है लगभग 80 लाख शेयर्स का, ऑलमोस्ट 2.6% स्टेक है और जो रेट है वो 296 to 300 rupees रहेगा, बायर और सेलर अभी नोन नहीं है। एस्कॉट्स की कमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस में जो है लो टू मिडिल सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है वित्त साल 2024 के लिए, और अगर रॉ मटेरियल प्राइस की जो दाम है वो कम होती है तो एबिटा मार्जिन सस्टेन कर सकता है। हालांकि रेलवे में जो है पॉजिटिव कमेंट्री आई है जहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा। DLF में जो है कल प्रमोटर्स ने जो है स्टेक बेचा ऑलमोस्ट 1.45 करोड़ शेयर्स की जो है बिकवाली की। सूला विनियाज को एक्साइज ड्यूटी का नोटिस आया 116 करोड़ का नेगेटिव इम्पैक्ट। सोम डिस्टिलरीज का ऑफकोर्स को राजस्थान में उनको बियर का लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका था, अब जो है वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर का भी मिला, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और उनो मिंडा जो है फंड रेज करेंगे अगस्त 9 को, और जेंसोल इंजीनियरिंग जो है वो स्कॉर्पियस ट्रैकर्स को खरीदे 135 करोड़ रुपये के लिए, और ये सोलर पावर जनरेशन की सर्विसेज देती है कंपनी। तो बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में एक्शन आज देखने मिल रहा है हमें, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अर्निंग्स जो है ब्रॉडर अर्निंग्स उस पर भी अब ज़्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ एक ही निफ्टी का अर्निंग्स है टाइटन का, लेकिन इसके अलावा इंटर ग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक्स में भी जो है आज हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल, तो ये कुछ काफ़ी सारे नंबर्स और नतीजे जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा। शरद थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज हाउस जानने के लिए, अंकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। अंकिता गुड मॉर्निंग, बताइए।
राइट, तो ये है आज की ब्रोकरेजेस। सबसे पहली जो ब्रोकरेज है वो है CLSA की, जिन्होंने चोला इन्वेस्ट पे अपना डाउनग्रेड किया है टू आउट परफॉर्म फ्रॉम बाय, और इनका टारगेट प्राइस उन्होंने हाइक किया है टू 1,250 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम 1,070 रुपीज़ पर शेयर। इनका मानना है कि जो इनकी स्ट्रॉन्ग मीडियम ग्रोथ है, इनकी इनका जो आउटलुक है ये जो है वो ड्रिवन बाय न्यू बिजनेसेस होगा, और इनके हिसाब से इनकी जो निम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं लाइक पेयर्स जो, जबकि इनकी एसेट क्वालिटी जो है वो अभी भी स्टेबल है। इनके हिसाब से इनका बिजनेस अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा अपसाइड लीव नहीं करती है, उसी के चलते इन्होंने अपना आउट परफॉर्म मेंटेन किया है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अगला स्टॉक जो है वो है अनुपम रसायन का। जेफरीज ने इन पे अपना अंडर परफॉर्म मेंटेन किया है और कट की है अपनी टारगेट प्राइस को टू 860 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम 965 रुपीज़ पर शेयर। इनके हिसाब से इनका रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों ने एस्टिमेट्स को मिस किया है, और इनके हिसाब से जो स्पेक्स केमिकल है वो स्लोअर डिमांड फेस कर रहा है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में जो डिमांड है इसकी वो सॉफ्ट ही रहने वाली है। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने अपना ट्रिम किया है कंपनी ने, मार्जिन गाइडेंस को रिट्रेट किया है, और इसी के चलते जेफरीज ने अनुपम रसायन पे अपना अंडर परफॉर्म मेंटेन किया है। अगला स्टॉक जो है वो है ओप्रो रियल्टी का। जेफरीज ने इस पे होल्ड मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को हाइक किया है 1,280 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम 891 रुपीज़ पर शेयर पे। इनके हिसाब से जो इनके क्वार्टर वन नंबर्स थे वो सेट इन लाइन रहा है, और जो प्री सेल्स है वो स्लो रही है, बट इनकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और इनके हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है इनका जो लार्ज थाने में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है क्वार्टर थ्री में उसको लेके, और इसी के चलते ओप्रो रियल्टी पे इन्होंने होल्ड मेंटेन किया है। अगला स्टॉक है एस्कॉट्स का। एस्कॉट्स का पे CLSA ने अपना मेंटेन किया है सेल, और उन्होंने टारगेट प्राइस को हाइक किया है 2,002 रुपीज़ पर शेयर फ्रॉम 1,658 रुपीज़ पर शेयर से। इनके हिसाब से जो मार्जिन्स है वो इनके इंप्रूव हो सकते हैं अक्रॉस ऑल बिजनेस सेगमेंट्स, और जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ है वो सरप्राइज दे सकती है FY24 में, और जो इनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसी के चलते इन्होंने सेल मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को हाइक किया है। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड पे CLSA ने अपना आउट परफॉर्म मेंटेन किया है एंड टारगेट प्राइस उसकी 270 रुपीज़ पर शेयर की है। इनके हिसाब से जो इनका बैकलॉग है वो डाउन है ऑलमोस्ट 6% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन लैक ऑफ TBCB अवार्ड्स एंड पाइपलाइन पिकिंग अप, तो इसी के चलते इन्होंने इनका बैकलॉग में 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन टिक देखा है। इनका जो क्वार्टर वन रहा है उसमें इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो 20% अप थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट इनका जो कैपेक्स है वो एब्सोल्युटली फ्लैट था। जो इन्होंने मेंटेन किया अपना आउट परफॉर्म रेटिंग, क्योंकि मार्केट जो है स्लो है बट इनके जो डिविडेंड्स है वो ग्रो कर रहे हैं, और इसी के चलते इन्होंने अपना आउट परफॉर्म मेंटेन किया है पावर ग्रिड पे। तो ये है आज की ब्रोकरेजेस। शुक्रिया अंकिता पूरी जानकारी के लिए कि हमारे साथ अजय किरिया मौजूद हैं फोन लाइन पर। अजय थैंक यू सो मच ईटी नाम स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज, सबसे पहले तो सोने से शुरुआत करिए। गोल्ड में हमने देखा गिरावट आई, डॉलर में जो तेजी दिखी उसकी वजह से यहाँ से आप बिकवाली करने की सलाह देंगे या फिर करेक्शन और गहरा सकता है? डेफिनेटली जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में वापस अपडेट के बाद जम पी है, लेकिन अभी भी 102 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। कल के सेशन में हमने सोने में गिरावट आते हुए देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में 59,000 से 59,800 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा मार्केट पुश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज के लिए 59,250 पे एंट्री रिजल्ट लेके चलना चाहिए, 59,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 59,650 का लेवल दिखा देगा, क्योंकि रुपये में जो गिरावट आ रही है उसका डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। चांदी की बात करें तो बेस मेटल में हमने कल नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग नंबर के साथ गिरावट दिखी है, बट ओवरऑल चांदी में भी कल गिरावट के बाद अब एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 73,800 पे लेना है, 73,200 का छोटा स्टॉपलॉस लगाइए, 74,500 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। तो और अजय जाना चाहेंगे क्रूड और बेस मेटल पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल पूजा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है। जिस दिन से अगस्त और सितंबर में आउटपुट कप होगा ओपेक प्लस से, जिसका सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है, उम्मीद है कि ओपेक की आज कल की मीट में, ये वीक की मीट में कहीं ना कहीं और प्रोडक्शन कट की बात हो सकती है, जिसके चलते प्राइजेस को अपलिफ्ट कंटिन्यू मिलेगा। तो आज के लिए 66-80 पे लेके चलिए, 6,650 का स्टॉप लॉस रखिए, 6,800 का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो हमने जैसे लास्ट वीक कहा था कि कॉपर और जिंक में जबरदस्त तेजी मिल सकती है, तो ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। नो डाउट कल हमने चाइना से US से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आते हुए देखे, उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी, जिसकी वजह से करेक्शन आया था, बट ये करेक्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो कॉपर को 744 में लेके चलिए, 740 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 750 है,
बट मंथ एंड तक की अगर बात करें तो 770 तक का भी लेवल कॉपर में दिखा देगा। वहीं लास्ट में अगर जिंक की बात करें तो 226 में बाय करके चलिए, 224 के स्टॉप लॉस से 229 का टारगेट रहेगा। इन्वेंट्री प्रोडक्शन को लेकर कुछ कंसर्न है जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो कॉपर जिंक में खरीदारी करने की राय, कच्चे तेल में भी आप खरीदारी कर सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी करने की राय यहाँ पर अजय की तरफ से। अजय थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में हर एक स्पेस में हम देख रहे हैं आज तेजी का ही नजरिया बन रहा है, लेकिन अब वापस आते हैं इक्विटी मार्केट पर और यहाँ पर क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिल रही हैं, उसमें हेमंत से जब हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने UPL और IEX में खरीदारी करने की राय दी थी। उसके अलावा एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है वोल्टास, आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लगातार यहाँ पर एनालिस्ट की नज़र बनी हुई है, 823 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 777 का और टाटा पावर भी इनको अच्छा लग रहा है, 254 का टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 236 का। आगे बढ़ते हैं और रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है ग्रैनुल्स, तेजी की राय दे रहे हैं यहाँ पर, 344 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 317 का। और टाटा स्टील में भी आप नज़र रखिए, आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अजय बता भी रहे थे कि मेटल स्पेस में तेजी बन आगे भी जारी रह सकती है, तो टाटा स्टील में भी तेजी देखने का अनुमान है, 129 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 120 का। तो जितने भी कॉल्स हमने अभी डिस्कस किए सभी में तेजी की राय निकल कर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे और अनीता को दीजिए इजाज़त।